अस्सलाम वालेकुम। क्लास सीनियर की इंग्लिश कॉपी का होमवर्क देंगे हम। सबसे पहले आप लोगों का होमवर्क इंग्लिश कॉपी में होमवर्क है वर्ड्स ऑपोजिट्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इस पे आप लोगों को ऑपोजिट लिखने हैं। वर्ड्स के ऑपोजिट मीन उलट, किसी भी चीज का उलट। ये आपको वर्ड दिए हुए हैं, इन सबका आप लोगों को ऑपोजिट लिखना है, यानी कि इनका उलट लिखना है। सबसे पहले क्या है, स्मॉल, शॉर्ट, एट, फैट, वाइट, डे, स्मॉल, शॉर्ट, फैट, वाइट, डे। ये वर्ड्स हैं, इनके आप लोगों को क्या लिखने हैं, ऑपोजिट। स्मॉल यानी के छोटा, छोटे की जिद क्या होगी, बड़ा, बड़े को हम क्या कहते हैं, बिग, बिग, स्मॉल बिग, शॉर्ट मतलब छोटा, छोटे की उर्दू हमें क्या कहते हैं, हम जिद क्या होती है, बड़ा, और बड़े को कहेंगे इंग्लिश में टॉल, टॉल, शॉर्ट टॉल। फैट, फैट मतलब मोटा, मोटे की जिद होगी दुबला, इसकी इंग्लिश में कहेंगे हम थिन, थिन, फैट थिन, स्मॉल बिग, शॉर्ट टॉल, फैट थिन। वाइट, वाइट यानी के वाइट मीन्स होता है सफेद, सफेद की अगर हम उर्दू में देखें जिद तो क्या होगी, काला, और काले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक, ब्लैक, वाइट, ब्लैक। डे, डे मतलब दिन, दिन की जिद क्या होगी, दिन, रात, और रात को इंग्लिश में कहते हैं नाइट, नाइट। इन वर्ड्स की हमने ऑपोजिट लिख दी, अब रीड करेंगे, स्मॉल बिग, शॉर्ट टॉल, फैट थिन, वाइट ब्लैक, डे नाइट। ये आप लोगों की जितनी टाइम्स आप लोगों की लाइन ड्रॉ हुई है, आप लोगों को उतनी टाइम्स कॉपी करना है और लिखना भी है, और साथ साथ पढ़ना भी है, पढ़ पढ़ कर काम करना है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट होमवर्क है वर्ड्स मीनिंग करनी है आप लोगों को, मीनिंग मतलब उसकी मतलब मायने लिखने हैं। उर्दू में आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, उसकी आप लोगों को यहाँ मीनिंग लिखनी है, उर्दू लिखनी है। नंबर वन है कुक, कुक, ओल्ड, ओल्ड, या ओ आ न, ग, यंग, र, अ, अ, रूफ, एट, फैट। इनकी उर्दू मीनिंग लिखनी है आप लोगों को। सबसे पहले है कुक, कुक मतलब होता है पकाना, पे काफ अलिफ पका, नून अलिफ ना, पकाना, कुक पकाना। ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, बे वाउड़े बुढ़, हे अलिफ हा, बुढ़ा, ओल्ड बुढ़ा। यंग, यंग का होता है जवान, जीम वाव अलिफ नून, जवान, कुक पकाना, ओल्ड बुढ़ा, यंग जवान। रूप, छत, चे हे ते, छत, रूप, छत। फैट, मोटा, मीम वाव मोटे अलिफ्टा, मोटा, कुक पकाना, ओल्ड बुढ़ा, यंग जवान। रूफ, छत, फैट, मोटा। ये मीनिंग्स हैं वर्ड्स की, आप लोगों ने मीनिंग करी। जितनी टाइम्स आप लोगों की कॉपी में लाइन ड्रॉ है उतनी टाइम आप लोगों को सिर्फ मीनिंग कॉपी करना है, वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसी तरह आप लोगों का इसके बाद होमवर्क है मेक द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मीन्स आप लोगों को यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, इनके आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। यहाँ पे जो जुमले होता है कि हमारे जुमले में ये जो अल्फाज हों उस जुमले में ये अल्फाज जरूर आना चाहिए। नंबर वन क्या है हमारे पास, काओ, खा ओ वा, काओ, टा र एह एह, ट्री, ब इ र ड, बर्ड, खा ओ ओ क, कुक, इ न ग, सिंग, काओ, ट्री, बर्ड, कुक, सिंग। इनके आप लोगों को जुमले बनाना है, इंग्लिश में मीनिंग सेंटेंसेस बनाना है, और उसमें ये वर्ड जो है वो जरूर आना चाहिए। नंबर वन जैसे काओ का है, काओ को हम लिखेंगे
ख अ व काओ स्पेस देंगे, ग इ व ए गिव्स काओ गिव्स, अ अस मिल्क, उम इ ल क मिल्क काओ गिव्स अस मिल्क, काओ से हमें क्या हासिल होता है दूध। यह देखिए हमने सेंटेंस बनाया, इस सेंटेंस में काओ आ रहा है तो हम वैसे वो सेंटेंस बनाएंगे जिसमें ये वर्ड जो हमें दिए हुए हैं ये वर्ड जरूर आए, क्योंकि हमें इन्हीं के ही सेंटेंसेस बनाने हैं, इन्हीं वर्ड्स के हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। अब ट्री का सेंटेंस बनाएंगे हम, ट ह एह ट्री, सॉरी द ट्री का सेंटेंस बनाना है हमें, द ब ओ या बॉय द बॉय, इज द बॉय इज, इ ट ट इ न ग सिटिंग, द बॉय इज सिटिंग, अ न ड ए र अंडर, द बॉय इज सिटिंग अंडर, ट ह ए द ट्री, ट र ए ए ट्री, द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, लड़का जो है वो कहाँ बैठा हुआ है दरख्त के नीचे। नंबर थर्ड है आप लोगों का बर्ड, बर्ड का सेंटेंस बनाएंगे हम, ट ह ए द ब इ र ड बर्ड, द बर्ड एह इज, द बर्ड इज फ्लाइंग, ल या इ न ग फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड जो है परिंदा जो है वो उड़ रहा है। अब कुक का सेंटेंस बनाएंगे, उम ओ ट ह एह अर मदर, ख ओ ओ क कुक्स मदर कुक्स फूड, ओ ओ ड फूड मदर कुक्स फूड, मदर जो है अम्मी जो है वो खाना पकाती हैं। नंबर लास्ट है हम लोग का है सिंग, ए र ए सारा सिंग, आ ओ न ग सॉन्ग सारा सिंग अ सॉन्ग, सारा गाना गाती है। सेंटेंस बना ली हमने, काउ का था काउ गिव अस मिल्क, ट्री द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, बर्ड का सेंटेंस बनाया द बर्ड इज फ्लाइंग, कुक का बनाया मदर कुक्स फूड, सिंग का बनाया सारा सिंग अ सॉन्ग। ये आप लोगों के सेंटेंसेस थे, ये जो देखें वर्ड थे ये हमारे सेंटेंसेस, ये जो हमें वर्ड्स थे ये हमारे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, काओ ट्री बर्ड कुक सिंग। ये आप लोगों को अंडरलाइन नहीं करना, ये मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके बता रही हूँ, ये हमारे सेंटेंस हो गए इंग्लिश, ये आप लोगों का इंग्लिश का होमवर्क है, वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए बिल्कुल और लाइंस पे होना चाहिए सारा काम।